साचा सौदा कीजिए अपने मन में जान, साचे हीरा पाइए झूठे मूलह भान। अपने मन में अच्छी तरह से जान समझकर सत्य का ही सौदा खरीदो, सच्चा सौदा खरीदो, सच्चा माल खरीदो, सच्चा माल बेचो। अर्थ है अच्छी तरह से जान समझकर सत्य ज्ञान लो और सत्य ज्ञान दो। साचे हीरा पाइए झूठे मूलोहान। यदि सच्चे मन से निश्चल मन से सत्य का सौदा खरीदोगे तो सत्य ज्ञान मिलेगा और कल्याण पाओगे। झूठ के पीछे दौड़ोगे तो तुम्हारे मूल धन की भी हानि हो जाएगी, तुम्हारा आत्मशांति चली जाएगी, विवेक खो जाएगा। इसके पहले के साखी में साहब ने कहा था कि सबते साचा भला जो साचा दिल होए। यदि अपने मन में सच्चाई हो, जीवन में सत्य का आचरण हो, तो सत्य सबसे उत्तम है, सर्वोत्तम उपलब्धि है। जो सत्य को समझ लेता है मानो वो सबको समझ लिया। जीवन में सत्य का ज्ञान हो गया, सत्य भावना है, सत्यवाणी है, सत्य का आचरण है, तो मानो उसने सारा वेद शास्त्र पढ़ लिया। अब तमाम वेद शास्त्रों को पढ़ा गया, बहुत विद्या अर्जन कर लिया गया, लेकिन जीवन में सत्य का ज्ञान नहीं हुआ, सत्य का आचरण नहीं हुआ, तो वेद शास्त्र पढ़ने से मतलब क्या होता है? जो कुछ हम पढ़ते हैं सुनते हैं किस लिए? सत्य बोध की प्राप्ति के लिए, कल्याण के लिए। और सत्य के बिना कल्याण कभी किसी का हो नहीं सकता। इसलिए महाभारत में कहा गया है, यो वेद वेदान नसा वेद वेद्यम सत्य स्थितो यस्त सवेद वेद्यम। यो वेद वेदान, जो वेदों को जानता है, वेदों को पढ़ना जानता है, वेदों का अर्थ करना जानता है। ऋषि कहते हैं तो इसे मत समझ लो कि वह वेदों को अच्छी तरह से जानता है, वह वेदों को नहीं जानता। वेदों को पढ़ लेने से, वेदों की टिक्किया व्याख्या कर लेने से कोई वेद को नहीं समझ सकता। तब प्रश्न किया कि आखिर वेद भी कोई समझेगा कैसे भी? तब ऋषि कहते हैं सत्य स्थितो यस्त सवेद वेद्यम, जो सत्य में स्थित हो गया, सत्य को जाना, अब पूरे जीवन में सत्य का आचरण करने लग गया, जिसका जीवन सत्य से ओतप्रोत हो गया, वेद को असली ढंग से उसने ही जाना है। खाली वेद को पढ़ने से कोई वेद का ज्ञाता नहीं हो गया। वेद का असली ज्ञाता वह है जिसका जीवन सत्य से ओतप्रोत है। इसलिए यह भी कहा गया है कि महाभारत में ही
वेदस्योपनिषद सत्य सत्योपनिषद दमम दमस्योपनिषद मोक्ष एतद सर्वानुशासनम। सत्य का रहस्य क्या है, वेद का रहस्य क्या है? सत्य। सत्य का रहस्य है दमन, अपने आप पर संयम, आत्म संयम। और आत्म संयम का रहस्य मोक्ष की प्राप्ति। यही सारे शास्त्रों का उपदेश है। खास बात है, सत्य को जानकर आत्म संयम कर लिया तो बस उसका बेड़ा पार हो गया। सत्य से बढ़कर और कुछ है ही नहीं। सत्यमेव सर्वलोके सत्य धर्म सदाश्रिता, सत्य मूलानि सर्वानि सत्यानास्ति परम पदम। ये वाल्मीकि रामायण में कहा गया कि सत्यमेव सर्वलोके, इस लोक में संसार में सत्य ही ईश्वर है। सत्य धर्म सदाश्रित, सदा से ही धर्म सत्य के आश्रय में रहता है। सत्य क्या, धर्म क्या है? सत्य धर्म न दूसर सत्य समाना, गोस्वामी जी ने कहा है। इसलिए सत्य मूलानि सर्वानि, जो कुछ भी कर्म है, पूजा पाठ हवन तर्पण आदि है, सब का आधार, सब का मूल सत्य है। सत्या नास्ति परम पदम, सत्य से बढ़कर और कोई परम पद नहीं है। इसलिए सत्य का ज्ञान और सत्य का आचरण यदि है तो जीवन में सब कुछ है। इस साखी में आता है, साहब कहते हैं कि साचा सौदा कीजिए अपने मन में जान। अपने मन में अच्छी तरह से जान समझकर सत्य का ही सौदा खरीदो और सत्य का ही सौदा बेचो। व्यवहार में भी और धर्म के क्षेत्र में भी, जो व्यापारी व्यापार करते ही शुरू से दो नंबर का माल बेचना शुरू करता है, असली माल में भी नकली माल मिला देता है, कब तक उसका व्यापार चलेगा? धीरे धीरे लोगों को पता चलेगा ही चलेगा, ग्राहक टूटते चले जाएंगे। एक दिन उसका पूरा व्यापार ही बैठ जाएगा। मिलावटबाजी करके, कालाबाजारी करके, झूठ बोलकर कुछ दिनों तक लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता है, व्यापार बढ़ाया जा सकता है, कुछ पैसा कमाया भी जा सकता है, लेकिन अंदर तो खाली खाली रहता है। कोई बहुत पूजा पाठ कर रहा है, भगवान का नाम जप रहा है और दुकानदारी में, व्यापार में उल्टा सीधा कर रहा है, तो पूजा पाठ का क्या महत्व? उसके जीवन में शांति सुख का अनुभव कैसे होगा? ऐसे लोग अपना लोक परलोक दोनों बिगाड़ते हैं। वो कहानी आती है, एक सेठ ने अपने लड़के से कहा कि बेटा, कल मैंने तुमसे कहा था कि गोदाम में 20 बोरा चना रखा हुआ है, उसमें तुम 2 क्विंटल कंकड़ मिला देना, तो मिलवाया कि नहीं मिलवाया? कहा पिताजी, मिलवा दिया हूं। अच्छा, कहा था कि घी में डालडा मिला देना, तो पिताजी वो भी मिला दिया है, और चावल में और
धनिया में हल्दी में सब, कहा पिताजी हाँ सब मिला दिया। पिता कहा बहुत बेटा तू बहुत चतुर है, अच्छा चलो थोड़ा भगवान की भक्ति कर लेते हैं। तो मतलब क्या होता है जिस एक और आदमी कहता है भगवान सब कुछ जानता है, सर्वांतर्यामी है, सर्वज्ञ है। तो जब भगवान सब कुछ जानता है, सर्वांतर्यामी है, सर्वज्ञ है, तो तुम जो चने में कंकड़ मिला रहे हो, घी में डालडा मिला रहे हो, हल्दी में पीली मिट्टी में ला रहे हो, या चना चावल में कंकड़, उसको भगवान नहीं जानता है। और ऐसे मिलावटबाजी करके तुम पूजा करने जाओ, भगवान को ये पता नहीं है कि ये धूर्त है आदमी मुझे धोखा दे रहा है। तो एक और तो आदमी भगवान भगवान भी कहेगा, वो कहेगा कि भगवान तो कण कण में व्याप्त है, भगवान सब कुछ जानता, भाई भगवान तो कुछ नहीं छिपा सकते, भगवान तो कुछ नहीं छिपा सकते हो, तब ये मिलावटबाजी क्यों, किसके लिए? इस प्रकृति में देर भले है लेकिन अंधेर नहीं, सर्वत्र कारण कार्य की व्यवस्था है। जो हम कर्म करेंगे उसका फल आना ही आना है, इसलिए अच्छी तरह से समझ बूझ करके कर्म करने की जरूरत है। गलत काम करेंगे गलत परिणाम सामने आएगा ही आएगा। तो बिहार के क्षेत्र में भी जो लोग गलत माल बेचते हैं, गलत माल खरीदते हैं और ग्राहकों को धोखा देते हैं, एक दिन उसे धोखा खाना ही खाना होगा। अलोक परलोक उसका दोनों बिगड़ेगा बिगड़ेगा ही। धर्म के क्षेत्र में भी हम देखते हैं कितने ऐसे गुरु हैं जो बड़े चालबाज होते हैं, उनका धर्म होता है दो नंबर का प्रचार, झूठ। वे अपने को चमत्कार घोषित करवाते हैं, स्वयं नहीं चमत्कार का, अपने को कहते हैं हम भगवान के अवतार हैं, दूत हैं, अपने लिए चमत्कार स्वयं लिखते भी हैं और दूसरों से लिखवाते भी हैं। झूठी झूठी महिमा फैला रहते हैं और ऐसे गुरु के चक्कर में अनपढ़ जनता ही नहीं, पढ़े लिखे कहलाने वाले विद्वान कहलाने वाले लोग भी पड़ जाते हैं। लेकिन इससे लाभ क्या होगा? प्रचार बढ़ जाएगा, मठ बढ़ जाएगा, लेकिन भीतर तो खोखला हो जाएगा। इसलिए सद्गुरु कबीर साधन करते हैं कि साचा सौदा कीजिए अपने मन में जान, अपने मन में जान समझ करके सत्य का सौदा खरीदो, सही बात पर विश्वास करो, सही आचरण करो, किसी बात को ठीक से पहले जानो समझो, विश्वास करना चाहिए, लेकिन विश्वास भी हमारा विवेक पूर्वक होना चाहिए। विवेक से हर बात को तौलें, परख की कसौटी पर कसें और जब सही उतरे तब माने। गुरु कहते हो, शास्त्र में लिखा हो, परंपरा कहती हो, लाखों की भीड़ कहती हो, तो उतने मात्र से कोई बात सही नहीं हो जाएगी। सब पर परख करें और परख करने के पश्चात तब जो उचित लगे उसका ग्रहण करें, अनुचित लगे उसका त्याग करें। हम गलत काम करते रहें तो हमें उसका बुरा परिणाम आएगा ही आएगा। इसलिए आपको कहते हैं सांचे हीरा पाइए झूठे मूलोहान। यदि तुम्हारा दिल निष्पक्ष है, निर्भय है, तो तुम सत्य का सौदा खरीदोगे, तुम्हें सच्चा ज्ञान मिलेगा। निर्भयता चाहिए, निष्पक्षता चाहिए और श्रद्धा चाहिए, इससे तुम्हें सत्य का हीरा मिलेगा। और झूठ का आश्रय लोगे
तो मूल धन की भी हानि हो जाएगी, मूल पूंजी भी डूब जाएगी। पाप पर पाप करते रहो और पाप कर्म करके भगवान का नाम जपो, नदी में गंगा में स्नान करो, मंदिर में जाकर के मूर्ति के दर्शन करो, मूर्ति की पूजा करो, तीर्थों में घूमो या और कोई कर्मकांड कर लो, उससे तुम्हारे पाप का फल कटेगा कैसे? किसी की पूजा कर देने से, किसी का नाम ले लेने से, किसी के आशीर्वाद से सुख कैसे मिलेगा, कल्याण कैसे मिलेगा? उसके लिए तो अपने को स्वयं वैसे कर्म करना पड़ेगा। इसलिए आप कहते हैं कि झूठे मूलोहान, झूठी बात पर विश्वास करोगे, दूसरे को धोखा दोगे, झूठा कर्म करोगे, जो ये आजकल चमत्कारी गुरु चमत्कारी बाबा घूम रहे हैं इनके चक्कर में पड़ोगे, अंधविश्वास चमत्कार के चक्कर में, तो तुम्हारे रहे सहा तुम्हारा पास रहा था ज्ञान भी खो जाएगा और जीवन अशांति में व्यतीत होगा। इसलिए आप कहते हैं देखा देखी में न पढ़ो, अच्छी तरह से समझो विचारो और समझ विचार करके सत्य का सौदा खरीदो। सुकृत वचन माने नहीं, आप न करे विचार, कहीं कबीर पुकारी के स्वप्ने गया संसार। सुकृत वचन, ऐसे सुकृत का अर्थ है जो अच्छी तरह से किया गया हो, सत्कर्म पुण्य उचित और भी अर्थ है। यहां अर्थ है संतों के निर्णय वचन, सत्य ज्ञान के वचन। आदमी की कमजोरी क्या है इसको साहब बताते हैं, और क्यों आदमी का जीवन व्यर्थ चला जाता है इसको बता रहे हैं। मनुष्य जीवन उत्तम जीवन कहा जाता है, लेकिन ऐसे उत्तम जीवन को पाकर के भी आदमी पशु के समान खाते पीते, अब बाल बच्चा करते विषय उलझे उलझे जीवन को क्यों खो देता है? सपने में बहुत कुछ मिलता है, लेकिन जागो तो कुछ हाथ नहीं आता। ऐसे ही उत्तम जीवन मिला लेकिन सपने के समान व्यतीत हो गया। क्यों? उसके साहब कहते हैं सुकृत वचन माने नहीं। मनुष्यों की यह कमजोरी है कि वह संतों के सच्चे निर्णय वचन को, कल्याणकारी वचन को मानता नहीं। और आपन करे विचार और स्वयं विचार करता नहीं है। सत्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए दो ही तो रास्ते हैं, कल्याण के लिए दो ही रास्ते कह सकते हैं। और रास्ते कौन? एक तो सच्चे संत गुरु हमें मिल जाएं और हम उनके सत्य निर्णय वचन को विनम्रता पूर्वक माने। सच्चे संत गुरु सत्य को उपदेश दे रहे हैं तो उन संत गुरुजनों के प्रति हमारे मन में श्रद्धा हो और विनम्रता पूर्वक सेवा करते हुए हम उनके सत्य ज्ञान के निर्णय को सुने। या फिर अपने में ऐसी शक्ति हो कि स्वयं हम छान विचार कर सके, सत्य से निष्पक्ष हो जाएं और स्वतंत्र चिंतन करें, हर बात की परख करें और सत्य का ग्रहण करें, तो ये दो रास्ते
संतों के निर्णय वचन को मानना या फिर स्वयं स्वतंत्र होकर के चिंतन मनन करना, तब इस सत्य का ज्ञान मिलेगा। वैसे जीवन में दोनों की आवश्यकता होती है, सत्संगति भी चाहिए, कोई बताने वाला समझाने वाला भी चाहिए, और अपने पास निष्पक्ष दृष्टि भी चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी बात को सही मान लेते हैं, लगता है कि बिल्कुल ही सही है, इसके अलावा दूसरा सही हो नहीं सकता, इसमें झुठाई का अंत भी नहीं है। लेकिन जो अधिक योग्य समझदार विवेकी होते हैं, निष्पक्ष विचारक होते हैं, उनसे जब परखवाते हैं तब हमारा सत्य खोटा ठहरता है। इसलिए साहब ने कहा कि परखत खरी परखावत खोटी। बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो अपने परखने में तो खरी जान पड़ती है, लेकिन उस विषय के जो ज्ञाता हैं, निष्पक्ष निर्णयी हैं, उनसे परखाते तो खोटी जान पड़ती है। इसलिए स्वयं भी परखें और संत गुरुजनों से भी परखाते रहें। ऐसे करने से सत्य का ज्ञान मिलेगा और हम कल्याण पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। कहीं कबीर पुकारी के सपने हो गया संसार। कबीर साहब यहां पुकार करके कहते हैं कि संसार के लोगों की स्थिति कैसी है, कि वे लोग न तो अपने विवेक का उपयोग करते हैं, स्वयं विवेक कर पाते हैं, और न संतों के निर्णय वचनों को मान पाते हैं। या तो स्वयं समझ बूझ करके कल्याण के पथ में चले, या संत गुरुजन जो रास्ता बता रहे हैं उस रास्ते पर चले। दोनों नहीं करते तो परिणाम क्या होता है? पशुओं के समान खाली कमाते खाते विषय भोग में उलझे उलझे जीवन को खो देते हैं। कल्याण करने के लिए शरीर मिला था, वो नहीं हुआ, सपने के समान जीवन बीत गया। आया कबीरा फिर गया, झूठा अहंकार, बस जैसे जीव आया वैसे वैसे लौट गया। सपना में बहुत कुछ मिला, जागे तो कुछ नहीं, बस ऐसे ही जीवन मिला और चला गया बेकार, हाथ कुछ नहीं आया। तो मनुष्य जीवन पाने का अर्थ क्या हुआ? आज जानवर में और आदमी में अंतर कहां हुआ? अंतर तब समझा जाएगा जब आदमी विवेक विचार करके सारे दुर्गुण दुराचारों का त्याग कर देगा और कल्याण पथ पर चलेगा। आग जो लागी समुद्र में धुआं न प्रगट होए, की जाने जो जरिमुआ की जाकी लाई होए। उलटवासी में यहां साहब कहते हैं, समुद्र में आग लग गई लेकिन इसमें धुआं प्रगट नहीं होता है। इस समुद्र में जो आग लगी है, इस आग को वही जानेगा जो इस आग में जल गया हो, या फिर जिसने आग को लगाई हो। समुद्र में आग नहीं लगती, समुद्र तो पानी है, पानी में आग कैसे लगेगी? अब आग ही लगेगी तो धुआं कैसे होगा? कहीं आग लगती है तो वहां धुआं प्रकट होता है, धुआं निकलता है। तो आग से धुआं निकलते हुए हमने देखा, तो बाद में कहीं धुआं निकलते देखकर हम अनुमान कर लेते हैं कि वहां आग जल रही होगी। जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है,
एक सहज अनुमान हम कर लेते हैं। लेकिन यहां साहब कहते हैं समुद्र में आग लगी है और धुआं प्रकट हो नहीं रहा है कि धुआं को देख करके जान ले कि वहां आग लगी है। एक लक्षणार्थ है, समुद्र में आग क्या लगेगी, आग लगेगी नहीं, धुआं निकलेगा भी नहीं। लेकिन यहां साहब कहते नहीं, समुद्र में आग लगी है। तो यहां समुद्र है मनुष्य का अंतःकरण, साधक का अंतःकरण हृदय, साधक के हृदय रूपी समुद्र में ज्ञान की आग लग गई। लेकिन धुआं न प्रकट होए, इस ज्ञान की आग लगने पर धुआं नहीं प्रकट होता है कि देख करके जान लो कि इसमें आग लगी हुई है। किसके भीतर में कितना ज्ञान है, कितना वैराग्य है, कैसे जानोगे? आग लगती है तो धुआं होता है, तो धुआं देख करके आग का ज्ञान होगा। लेकिन ज्ञान की आग में कोई धुआं तो होता नहीं है, तो कौन कितना ज्ञानी है जानोगे कैसे? और न जानने के कारण ही दुनिया में कितने ऐसे सच्चे संत साधक हुए हैं जिनका अपमान लोगों ने किया है। बड़े बड़े संत हुए, निर्मल जीवन, निष्पाप जीवन, जिन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से तपा डाला था, जिनका कोई भौतिक स्वार्थ नहीं रह गया, जो मोमबत्ती की तरह दूसरों को प्रकाश देने के लिए जलते रहे, ऐसे संतों को नहीं समझा गया और ऐसे संतों का भी अपमान किया गया, उनके लिए गलत गलत धारणा बना ली गई। और समान कहलाने वाले लोग नहीं, कितने सज्जन कहलाने वाले, साधु कहलाने वाले लोग भी वैराग्यवान संतों को कहां समझ पाए। तो ज्ञान की आग ऐसी आग नहीं है किसे कोई दूसरा जान सके। इस आग को तो व्यक्ति स्वयं जान सकता है, ये आग ससंवेद्य है, स्वयं जाना जा सकता है। जिसके हृदय में ज्ञान की आग लगती है वही जानता है। आग लगने पर वहां की सारी चीजें जल जाती हैं। कहीं आग लगी जो कुछ होगा सब जल जाएगा। तो साधक के हृदय में ज्ञान की आग लगी और ज्ञान की आग लगने से हृदय सागर में रहे हुए जितने मनोविकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या घृणा वैमनस्य, ये सब के सब जल गए। अब ये सारे मनोविकार जल गए तो बंधन समाप्त हो गया। आखिर बंधन क्या है? हमारे मन के जो विकार हैं, हमारे मन में जो अविद्या है, वासनाएं हैं, यही तो हमारे लिए बंधन है। और ज्ञान की आग लगने पर ये विकार, वासना, विद्या सब जल करके समाप्त। अब जल कर समाप्त हो गया तो बंधन समाप्त, कृतार्थ। लेकिन अपने मन की जो कृतार्थता है इसको व्यक्ति स्वयं समझ सकता है। किसके मन के विकार कितने समाप्त हुए हैं दूसरा कौन जानेगा? कोई थर्मामीटर तो है नहीं बाहर कि किसी के शरीर में लगा दो और पता चले, वो बता दे हाँ भाई इसका विकार इतना जला है। तो बाहर कोई आदमी जान नहीं सकता, लेकिन जाने या ना जाने हमारा बिगाड़ क्या होगा उसमें? हमारा मन पूरी तरह से निर्मल है, मनोविकार समाप्त है, मन एकदम शांत है, कृत है, तो दूसरा लोग न जाने तो हमारा कौन सा नुकसान होगा? संसार के बड़े पुरुषों को लोगों ने कहां जाना तो उनका क्या बिगड़ गया? इसलिए साहब ने कहा है कि तब भी अच्छा अब भी अच्छा जुग जुग हो नान, मैं पहले भी अच्छा था अब भी अच्छा हूं, लोग मुझे जाने या ना जाने सब समय मैं अच्छा ही रहूंगा। लोग मेरी निंदा करते हैं तो उससे मेरा बिगाड़ थोड़े हो जाएगा, मेरी प्रशंसा कर देते हैं उससे मेरा कल्याण थोड़े हो जाएगा।
मैं तो सब तरफ से अपने आप को समेट कर अपने विकारों को जलाकर कृतार्थ हो गया हूं, दुख दुख होना और सब समय कृतार्थ ही रहूंगा, कोई मुझे जाने या न जाने। दूसरे के मन को जानने के लिए लोग बेताब रहते हैं, अपने मन की कुटेव को तो हम जान नहीं सकते, अपने मन को पूरा का पूरा समझ नहीं सकते, दूसरे के मन को दूसरे के दिल को क्या समझ पाएंगे। इल्लदाता कहते हैं, आग जो लागे समुद्र में धुआं न प्रगट होए, हृदय रूपी समुद्र में ज्ञान की आग लगी, सारे विकार जल करके राख हो गए, और इसमें कोई बाहरी लक्षण नहीं, बाहरी पहचान नहीं है दूसरे लोग जान सके। और जिसके हृदय में आग लगती है, जिसका विकार शांत हो गया, जिन्होंने अपना कल्याण कर दिया, वो दूसरों को बताएगा भी क्यों कि भाई मेरा मनोविकार शांत हो गया। अब बताएगा तो लोग समझेंगे भी कैसे, कहेंगे अरे ये अहंकारी आदमी है, डिंग मारता है, क्योंकि लोग अपने हिसाब से तोलना चाहते हैं। कि जाने जो जरी मुआ की जाकी लाई होता है, कहते हैं इस आग को व्यक्ति स्वयं जल जानेगा, जो जल गया है, जिसके मनोविकार शांत हो गया, वो स्वयं समझेगा। या की जाकी लाई हो, जिस सदगुरु ने ज्ञान की आग लगाई है वो सदगुरु जानेगा। ये भी कहने का तरीका है, गुरु भी पूरा पूरा कैसे बता सकता है, गुरु ज्ञान दाता है, गुरु बोध देते हैं, रास्ता बताते हैं, कल्याण का भेद बताते हैं, बंधन काटने की युक्ति बताते हैं, सब बताते हैं, लेकिन उसका हम कितना उपयोग कर रहे हैं, कितना हमने ग्रहण किया, अपने अपने विकार को काटे, इसको गुरु भी पूरा कैसे जान सकते हैं। गुरु अपने मन को तो जान सकते हैं, लेकिन शिष्य के मन को, शिष्य की स्थिति को गुरु भी कैसे बताएंगे, वो खुद ही व्यक्ति समझ सकता है। इसलिए सदगुरु से ज्ञान प्राप्त करके हम अपने हृदय समुद्र के मनोविकारों को जलाएं और अपना कल्याण का काम करें, कोई जाने या न जाने इससे हमारा कोई नुकसान नहीं है, बस हमारा जीवन कृतार्थ बेड़ा पार। लाई लावन हार की जाकी लाई पर जरे, बलिहारी लावन हार की छप्पर बाटे बाचे घर जरे। लाई लावन हार की, हाँ लाई का अर्थ है लाई हुई आग, यहां अर्थ है ज्ञान की आग। लावन हार लाने वाले, तो ज्ञान की आग लाने वाले हैं सदगुरु। ज्ञान की आग लाकर साधक के हृदय में आग लगाने वाले सदगुरु की प्रशंसा है, सदगुरु की बलिहारी है, जिनके द्वारा जिनकी आग से पर जरे साधक के हृदय के राग द्वेष के पंख जल गए, या इथुल सूक्ष्म माया खानी बानी माया के पंख जल गए, और जीव का संसार के विषयों में उड़ना बंद हो गया। बलिहारी लावन हार की, ज्ञान की आग लगाने वाले सदगुरु की बलिहारी प्रशंसा है कि हुआ क्या, इस ज्ञान की आग लगने पर छप्पर तो बच गया और घर जल गया। इस साखी में सदगुरु कबीर अलंकार के माध्यम से कहते हैं, अन्योक्ति अलंकार उलटवासी के माध्यम से कहते हैं, लाई लावन हार की, ये ज्ञान की आग लाने वाले सदगुरु हैं, सदगुरु द्वारा लगाई गई है ज्ञान की आग। इसमें हुआ क्या, इस ज्ञान की आग से जीव के पंख जल गए। जीव संसार में क्यों उड़ रहा है, क्यों मोह माया में पड़ा भटक रहा है, क्योंकि
इसके मन में खानी बानी की माया के माया लगी हुई, राग द्वेष के पंख। जब तक हमारे पास राग द्वेष के पंख हैं, स्थूल सूक्ष्म माया के पंख हैं, तब तक हम संसार में उड़ते रहेंगे। स्थूल जो प्राणी पदार्थ हैं, अपना शरीर, अन्य लोगों के शरीर, घर, मठ, मकान, जो चीज दिखाई पड़ रही है वो स्थूल माया है। इनके प्रति आसक्ति होती है, अपने शरीर के प्रति आसक्ति होती है, अन्य लोगों के प्रति मोह होता है, और जो पदार्थ है उनके प्रति लोभ मोह होता है। और सूक्ष्म माया मांस मार दि सिद्धि गद्दी महंती स्वर्ग नरक आदि कल्पनाएं, ये सूक्ष्म माया है, इसी को खानी बानी कहा गया है। उसे इसको भी इनके प्रति इनको लेकर के ही राग होता है, द्वेष होता है। जो हमारे अनुकूल लगे उनके प्रति राग हुआ, जो प्रतिकूल लगे उनके प्रति द्वेष हुआ। यह लगा कि इनके द्वारा मुझे रुपये पैसे मान सम्मान मिलेगा, ये मेरे सहयोगी हैं, बस वहां राग हो गया, मन चिपक गया। और जिनसे लगा कि ये मेरे रास्ते में विरोधी हैं, उनसे द्वेष हो गया और उससे भी चिपक गए। तो जहां राग द्वेष बना, संसार में उड़ना पड़ेगा। क्यों भटक रहा है जीव? ये जमीन, मठ, मकान, रुपये पैसे, परिवार, समाज, इनमें लोभ मोह करके ही तो भटक रहा है। लेकिन ये समझें कि इनमें से हमारा है क्या। जब तक जीवन है तब तक इनका उपयोग करना पड़ता है, इनका व्यवहार लेना पड़ता है। लेकिन यदि कर्तव्य दृष्टि से व्यवहार लें, कर्तव्य दृष्टि से कर्म करें, विवेक पूर्वक इनसे निर्वाह लें, तो बंधन नहीं बनेगा। हम लोभ बना लेते हैं, मोह बना लेते हैं, बस वही लोभ मोह पूर्वक जब काम करते हैं तब बंधन बनता है। तो स्थूल जीव वस्तुओं की माया जीव को भटकाती रहती है। दूसरे है मान सम्मान पाने की, मुझे लोग बड़ा माने, मेरी अधिक प्रतिष्ठा हो, मेरा अधिक नाम फैले, इस प्रकार से। या अपने तरह कोई देवी देवता इस ब्रह्मांड करके उसकी कल्पना में पड़े रहना, उसको पुकारते रहना कि वो देवी देवता विश्व ब्रह्म पर हम पर कृपा कर देंगे, हम कृतार्थ हो जाएंगे। सार कहते हैं, जब सच्चे ज्ञान की आग लगती है तब न कहीं लोभ मोह रह जाता है और न कहीं किसी प्रकार के भ्रम कल्पना रह जाते हैं, सब खत्म। सत्य बोध हो गया कि संसार में मेरा कोई एक तृण नहीं है, फिर कहीं वो न लोभ करता न मोह, और ये समझ लेता है कि मेरा आश्रय, मेरा उद्धारक बाहर कोई नहीं है, मैं तो स्वतंत्र हूं, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप हूं, ऐसा समझ लिया फिर भटकना खत्म। इसलिए कहते हैं कि लाई लावन हार की जाके लाई पर जरे। ये ज्ञान की आग सदगुरु द्वारा लगाई गई है, और इस ज्ञान की आग से जीव के लोभ मोह के पंख या राग द्वेष के पंख जल जाते हैं और जीव का उड़ना, जीव का भटकना बंद हो जाता है। बलिहारी लावन हार की छप्पर बांचे घर जरे, यहां का उलटवाती कहते हैं। ये ज्ञान की आग लगाने वाले सदगुरु की बलिहारी, सदगुरु की प्रशंसा है। ये आग ऐसी आग है कि इस आग लगने पर छप्पर तो बच गया और घर जल गया। कहीं आग लगती है तो छप्पर पहले जलता है, क्योंकि छप्पर लकड़ी के, बांस के, फूस के होते हैं, और मकान तो जो दीवार है वो ईंट, पत्थर, मिट्टी के होते हैं। तो आग लगने पर ईंट, पत्थर, मिट्टी जलेंगे कि घास फूस और बांस जलेंगे, लकड़ी जलेगी? शायद कहते नहीं, छप्पर बच गया और घर जल गया। बाहर ऐसा नहीं होता, लेकिन जीवन में ऐसे ही होता है। छप्पर बच, ज्ञान की आग लगने पर छप्पर बच जाता, छप्पर चह के ऊपर
पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं हमारे पास, आंख नाक कान जीभ त्वचा, और इनके साथ छठा मन। तो ये छह के ऊपर जो सातवां जीव है उसका कल्याण हो गया, ज्ञान की आग लगी, जीव का कल्याण हो गया। ये जीव ही छप्पर है, छह के ऊपर सातवां है। इसलिए साहब ने कहा है कि सतवा सयान जो जाने हो भाई लोक वेद में देव दिखाई। सतवा सयान जो कहा है 37वीं रमेनी में, वो भी यही छप्पर है, छह के ऊपर सातवां जीव ही है। तो ज्ञान की आग लगने पर छप्पर छह के ऊपर जो जीव है उसका कल्याण हो जाता है। क्यों? घर जरे, अहंता ममता का जो घर है वो जल गया। इस अहंता ममता के घर में ही तो जीव बंधा हुआ था, अहंता ममता का घर जल गया, बस जीव का कल्याण हो गया। इस ज्ञान की आग की विशेषता है। इसलिए साहब ने एक साथी में भी कहा है कि घर जारे घर उबरे, घर राखे घर जाए। घर को जला देने पर घर उबर जाता है, घर बच जाता है, और घर को रखने पर घर जल जाता है। यहां भी उलटवाती है, घर जारे अहंकार रूपी घर को जलाने पर आत्मा का घर बच जाता है, आत्मा रूपी घर बच जाता है। और घर को बचा दे, यदि अहंकार को बचा करके रखोगे तो तुम्हारे आत्मा का घर जल जाएगा, कल्याण नहीं होगा। तो ज्ञान की विशेषता यही है कि अहंता ममता का घर जल गया और अपना छह के ऊपर जो जीव है उसका कल्याण हो गया। तो ऐसे जो ज्ञान का आग लगाने वाले सद्गुरु की प्रशंसा है। जितना सद्गुरु की प्रशंसा करें वंदना करें वो उतना कम है। बूंद जो परा समुद्र में सो जानत सब कोए, समुद्र समाना बूंद में सो जाने बिरला कोए। वर्षा के समय बारिश होती है तो पानी की बूंदें, जल की बूंदें समुद्र में पड़ती हैं, समुद्र में नदी में ताल तलैया में सरोवर में पड़ती हैं। इसे सब कोई जानते हैं, परंतु समुद्र समाना बूंद में सो जाने बिरला कोई। समुद्र बूंद में समाया हुआ है इसे कोई बिरला जानता है कि सूर्य की गर्मी और वायु के संपर्क से समुद्र का पानी भाप बन बन करके ऊपर उड़ता है और ऊपर उड़ करके बादल बन करके बूंद रूप में समाया होता है। इसे कोई बिरला जानता है, क्योंकि ये समझने की बात है, इस रूप में दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन जब वर्षा होती है, पानी बरसता है, तो पानी को हम समुद्र में नदी नाले में गिरते हुए देखते हैं, उसे सब जानते हैं। ये तो उदाहरण है। साहब अपनी बात कहते हैं खास, जीव ब्रह्म में लीन होता है या ईश्वर में भगवान में मिल जाता है, इसे तो बहुत लोग कहते हैं, कह रहे हैं, परंतु ब्रह्म जीव में ही समाया हुआ है इस बात को कोई बिरला बिरला ही जानता है। जहां देखो वहां सब यही कह रहे हैं कि जीव तो तुच्छ है, किंचिज्ञ है, प्रतिबिंब है, ब्रह्म श्रेष्ठ है, भगवान श्रेष्ठ है। और जैसे बूंद समुद्र में मिलकर के महान बन जाती है, ऐसे ही जीव जब ब्रह्म में मिल जाता है तब कृतार्थ हो जाता है। लेकिन ये कहना सर्वथा झूठ है। साहब कहते हैं जीव को किसी ब्रह्म ईश्वर परमात्मा में मिलना नहीं है,
किंतु ब्रह्मत्व और ईश्वरत्व शिवत्व जी में ही समाया हुआ है, ब्रह्म जी में ही समाया है। ब्रह्म की कल्पना करने वाला, ब्रह्म की परिभाषा करने वाला, ब्रह्म की व्याख्या करने वाला कौन है? जीव ही तो है। जीव ना होता तो ब्रह्म की कल्पना कौन करता? जीव ना होता तो ब्रह्म की चर्चा कौन करता? ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कौन करता? ब्रह्म को ब्रह्म जानने की क्या गर्ज है? जानना ब्रह्म ऐसा किसका फर्ज है? ब्रह्म का उपदेश लोग ब्रह्म को दे रहे हैं। ब्रह्म तो एक है, अद्वैत अकेला है, फिर ब्रह्म को उपदेश देने की क्या बात है? ब्रह्म को जानना चाहिए, ये कौन कह रहा है? ब्रह्म कह रहा है तो किसको कह रहा है? ब्रह्म के अलावा दूसरा है ही नहीं। फिर ब्रह्म को जानना चाहिए, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ये जीव ही कह रहा है और जीव के सामने ही कह रहा है। उदाहरण में तो जो साहेब ने साकी उदाहरण दिया है उसमें तो घटना दोनों तरफ घटती है। वर्षा होती है, पानी गिरता है तो पानी की बूंदें समुद्र में गिरती है, समुद्र में लीन हो जाती हैं। ये सब ये देखते हैं, सही घटना है। और समुद्र का पानी भाप बन करके ऊपर जाता है और बूंद रूप में समा जाता है, ये भी सही है। तो ये यहां केवल एक उदाहरण दिया गया है, पूरे का पूरा ही नहीं है। जीव से अलग ब्रह्म ऐसा कुछ नहीं है जिसमें जीव को लीन होता हो, जीव बूंद हो और ब्रह्म समुद्र हो, ऐसा कुछ नहीं है। पानी की बूंद विकारी है और समुद्र का पानी भी विकारी है। तब विकारी बूंद विकारी समुद्र में मिल गया। जीव निर्विकार है और ब्रह्म निर्विकार है तो दो निर्विकार का आपस में मिलना कैसे होगा? पानी की बूंद अखंड नहीं है और समुद्र का पानी भी अखंड नहीं है, दोनों टूटने वाले हैं, इसलिए दोनों का मिलन हो जाता है। जीव भी अखंड और ब्रह्म भी अखंड तो बिना टूटे मिलेंगे कैसे? एक अखंड दूसरे अखंड में कैसे मिलेगा, लीन कैसे होगा? लेकिन केवल हाँकते जा रहे हैं लोग, क्योंकि शास्त्र में लिख दिया गया है, विचार नहीं करते। साहब कहते हैं अपनी बुद्धि को किसी शास्त्र में बांधो मत, किसी शास्त्र का पुछलग्गू मत बनो, थोड़ा सोचो विचारो विवेक करो कि जब ब्रह्म अखंड है जीव अखंड है तो दोनों एक दूसरे में मिलेंगे कैसे, दोनों निर्विकार हैं तो विकार हुए बिना मिलेंगे कैसे? बृहत्वाद ब्रह्म कहा जाता है, जो बड़ा है जो महान है वह ब्रह्म। तो महान कौन है? महानता का बीज कहां है? महान है, महानता का बीज इस जीव में ही तो है। जीव को हटा दें तो ब्रह्म की घटना कहां घटेगी? सारी महानता जीव में ही, ये सारे वेद सात पुराण बाइबिल कितने बनाया? कोई ईश्वर ब्रह्म खुदा गार्ड ने बनाया है? सब मनुष्य की रचना है। जितने मत पंथ चल रहे हैं दुनिया में सब मनुष्य ही हैं। और जितने महापुरुष हुए हैं, राम कृष्ण बुद्ध महावीर ईसा मूसा जरथुस सुकरात लाओ त्से शंकराचार्य गौतम कपिल कनाद व्यास नारद सनक सनक सनत कुमार कबीर दयानंद तुलसी, ये सब कौन है? जीव ही तो है। सारे ज्ञान विज्ञान का अन्वेषण करने वाला कौन है? जीव ही तो है। ये बात अलग है कि अपने स्वरूप का ज्ञान न होने से जीव इच्छा कामनाओं के वशीभूत होकर के भटक रहा है। और जब वह इच्छा कामनाओं का त्याग कर देगा तब कृतार्थ हो जाएगा, महान हो जाएगा, ब्रह्म हो जाएगा, अपने निश्चित हो जाएगा। इल्लता कहते हैं कि जीव को किसी ब्रह्म में लीन नहीं होना है, किंतु ब्रह्मत्व जीव में पहले से ही लीन है। जीव में
शिवत्व पहले से ही छिपा हुआ है। सोचने की शुरुआत पहले से लोग ब्रह्म की तरफ से करते हैं, पहले एक ब्रह्म की कल्पना कर लेते हैं फिर वही से सोचना शुरू करते हैं। पहले से एक ईश्वर की कल्पना कर लिए, अब जब कल्पना कर लिए तो कोई काम बताना पड़ेगा उसको, तब कहते हैं क्या कि दुनिया कहां से बनी, तो भगवान ने बनाई। पहले तो भगवान को थोप दिए हैं, अब तो शुरू कर रहे हैं वहां से। आखिर जब शुरू किए तो कोई काम बताना पड़ेगा ना, आखिर कोई आदमी कोई नौकर रखता है तो कहां ले रखेगा नौकर, बैठा खिलाएगा थोड़े, पूजा थोड़े करेगा उसकी, खाली पूजा थोड़े करेगा, कोई काम बताएगा। तो ऐसे ईश्वर को लोगों ने बैठा दिया, अब काम बताना पड़ेगा। तो कहते हैं भगवान दुनिया बनाता है, लोगों को कर्म फल भोग देता है, शुरुआत वहां से कर रहे हैं। शुरुआत दुनिया की तरफ से करते, जीव की तरफ से करते, तब अलग से कल्पना नहीं करनी पड़ती। तो पहले से ब्रह्म की कल्पना कर ली है और शुरुआत वहां से कर रहे हैं। साहब कहते सोचने की शुरुआत ब्रह्म की तरफ से मत करो, जीव की तरफ से करो। और जीव की तरफ से करोगे पता चल जाएगा ब्रह्मत्व शिवत्व ईश्वर ईशत श्रेष्ठत्व महानता ये सब जीव में ही छिपे हुए, ये सब जीव के ही गुण हैं। सारी इच्छा कामना वासना का त्याग हो गया, बस हमारा जो श्रेष्ठत्व है, हमारा ब्रह्मत्व है, उसका उद्घाटन हो गया, बस जीव अपने आप में स्थित हो गया, कृतार्थ हो गया। हर जीव, हर घट में बैठा हुआ जो जीव है, वो स्वरूपता शुद्ध बुद्ध निर्मल है, निर्विकार है, अखंड है, वो कृतार्थ रूप है। राम में जो जीव था, कृष्ण में जो जीव था, वही जीव कीड़े मकोड़े में भी है। बुद्ध महावीर में जो जीव है, वही जीव हम में और कीड़े मकोड़े में भी है। बुद्ध और महावीर के जीव और कीड़े मकोड़े में जो जीव है, मूल रूप में उसमें कोई अंतर है ऐसा कुछ नहीं, केवल अंतर है तो जीव के स्वरूप के उद्घाटन में। कीड़े मकोड़े पशु पक्षी में उसके जीव के स्वरूप का पूरा उद्घाटन नहीं हो सकता, मनुष्य शरीर में हो सकता है। तो मनुष्य शरीर में आकर के जो जीव अपने सारी इच्छा वासना कामना का त्याग कर दिया, सब तरफ अपने को समेट लिया, आत्मस्थित हो गया और कृतार्थ हो गया, अब उसको चाहे कोई ब्रह्म की प्राप्ति कहे, ईश्वर दर्शन कहे, ईश्वर साक्षात्कार कहे, आत्मस्थिति कहे, निर्वाण कल्याण की प्राप्ति कहे, कुछ भी कह ले, शब्दों से अंतर नहीं पड़ता, तथ्य तो वही है। तो यहां पर साक्षात्कार कहते हैं कि बूंद जो पड़ा समुद्र में सो जाना सब कोय, समुद्र समाना बूंद में सो जाने बिरला कोय। बूंद समुद्र में गिरती है, समुद्र में लीन होती है, ऐसा तो सब जानते हैं देखते हैं, लेकिन समुद्र भाव बन करके बूंद रूप में समाया हुआ है, इसे कोई बिरला जानते हैं। जीव ब्रह्म में लीन हो जाता है, ईश्वर में मिल जाता है, क्योंकि जीव ईश्वर का अंत है, जीव अंशी है, जीव ईश्वर का अंत है और ईश्वर अंती है, इसलिए ईश्वर में मिलकर ब्रह्म में मिल करके वो कृतार्थ हो जाता है। ऐसा तो बहुत से गुरु लोग कह रहे हैं, लेकिन साहब कहते नहीं, ऐसा नहीं है। जी में ही ब्रह्म छिपा हुआ है, जी में ही ईश्वर तो छिपा हुआ है, इस बात को समझो, और इसको समझने वाले कोई बिरले हैं। जहर जिमी दे रूपिया अमि सींचे सौ बार, कबीर खलक ना तजे जामे जौन विचार। जहर का एक पेड़ लगाया गया, जहर का पौधा जमीन पर रोप दिया गया, अमि सींचे सौ बार, अब उस जहर के पौधे को दिन भर में सौ बार अमृत से सींचा जा रहा है, तो क्या अब जहर का पौधा अमृत बन जाएगा, उसका जहर दूर हो जाएगा? जहर का पौधा लगा करके उसे कितना भी अमृत से सींचो, वह जहर का ही जहर रहेगा। उदाहरण देते हैं पहले, आगे कहते हैं कबीर खलक ना तजे जामे जौन विचार। सदगुरु कहते हैं दुनिया के लोगों के मन में
उल्टा सीधा जैसा विचार घुस गया है, अब लोग उसको मजबूती से पकड़ करके बैठ गए हैं, उसको छोड़ना नहीं चाहते चाहे उसे कितना भी समझाओ। देखते ही हैं दुनिया में, जिसने जिस बात को पकड़ लिया बस उसके लिए वही परम सत्य हो गया, चाहे वो बात कितनी ही झूठ क्यों ना हो। साहब ने पिछले साखी कही कि ब्रह्म जी में लीन होता है, ऐसा सभी लोग कहते हैं, लेकिन जी में ही ब्रह्म लीन है ऐसा कोई बिरला जानता है? तो साहब यहां कहते हैं कि जिन लोगों के मन में ये बात पहले से घुसी हुई है कि जीव से ब्रह्म अलग है, वो ब्रह्म महान है, जीव तुच्छ है, जीव के करने से कुछ नहीं होता है, वो तो जो कुछ करता है परमात्मा करता है, परमात्मा की इच्छा के बिना एक तृण भी नहीं हिलता है, और जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी तब तक माया मोह का बंधन नहीं टूटेगा, जीव का कल्याण नहीं होगा। तो ये बात जिसके मन में घुसी पड़ी है उसको चाहे जितना समझाओ साहब कहते हैं वो छोड़ने वाले नहीं है। इसी प्रकार ये देवी देवता भूत प्रेत यंत्र मंत्र तंत्र शकुन अपशकुन ग्रह लगन अंधविश्वास चमत्कार की बातें जिन लोगों ने अपने अपने मन में पाल रखा है उनको चाहे जितना समझाओ वे समझने वाले नहीं, छोड़ने वाले नहीं। लोग कहते हैं कि महात्मा जी तो सही लगता है कि महात्मा जी सही बात कह रहे हैं, ऐसा ही लगता है, लेकिन आखिर ऋषि मुनि कहते आगे तुम आएंगे तो झूठ थोड़े कहे होंगे। बस क्या पहले के महात्मा सब ऐसे ही थे, झूठे थे? पहले झूठी बात क्यों लिखेंगे, आखिर कुछ तो सही होगा। साहब कहते हैं कबीर खलक ना तो ये जामे जोन विचार, जिन लोगों के मन में जो विचार धंस गए हैं वे छोड़ना चाहते ही नहीं है। असल अतुता लोगों का मन है कमजोर, वे अपने पैरों पर खड़ा नहीं होना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कोई बैसाखी, कोई सहारा, इसीलिए वो लोग देवी देवता इस ब्रह्म का सहारा, देवी देवता इस ब्रह्म की बैसाखी पकड़कर चलना चाहते हैं। यदि ये हो कि जी स्वयं शुद्ध बुद्ध है, अखंड रूप है, और जैसा करेगा वैसा फल उसे मिलेगा, तब सारी जिम्मेदारी अपने पर आ जाती है। और नहीं भाई, जीव अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता, परमात्मा ही सब कुछ करवाता है, कि परमात्मा की इच्छा से तो तृण भी नहीं हिलता, जो कुछ हो रहा है कण कण में घटना परमात्मा की इच्छा से हो रही है, तब जीव अपनी जिम्मेदारी खत्म, क्या करें भाई, भगवान हम ऐसा करवाना चाहता था तो इसलिए हम ऐसा कर लिए, गलत काम अपने करो और भगवान पर थोप दो। तो भगवान का एक सहारा होता है, अंधे की लकड़ी है भगवान, इसलिए लोग उसका एक सहारा पकड़ करके चलना चाहते हैं। लेकिन किसी सर्वसमर्थ सर्वांतर्यामी दयालु की कल्पना करके चाहे उसकी कितनी पूजा पाठ करो, उसके सामने कितने रोग रिगड़ाओ, नाक रगड़ो, रगड़ते रगड़ते नाक भले समाप्त हो जाएगी लेकिन वो कोई खुश नहीं होगा, तुम्हारी प्रार्थना सुनेगा नहीं, कोई कहिए नहीं सुनने वाला, जैसा कर्म करे हैं वैसा फल भोगना ही पड़ेगा। कपड़े को न धो करके बक्से को धोएंगे तो धुल के तो कपड़ा साफ कैसे होगा? कपड़े में दाग है तो कपड़े का दाग पूजा करके दूर नहीं होगा, कपड़े का दाग धोने से ही, कपड़ा धोने से ही दूर होगा। ऐसे ही हम मेहनत करेंगे तब हमारा कल्याण होगा, और मेहनत ना करें
कल्याण कैसे होगा? विद्यार्थी स्वयं परीक्षा में मेहनत न करे, पढ़ाई में मेहनत न करे और खाली पूजा करते रहे तो कैसे होगा? एक माता जी थी, वो अपने छोटे बच्चे को कहा करती, बेटा देखो भगवान की रोज पूजा करना, भगवान पूजा, भगवान सब कुछ करने वाला है, भगवान सर्वसमर्थ है और जैसा चाहे वैसा कर, भगवान को खुश कर लोगे तो तुम्हें सब मिल जाएगा। माँ बराबर से कहा करे और बेटा भी ऐसे माँ की बात मान करके पूजा करता रहे। परीक्षा का समय था, परीक्षा चल रही थी, तो बेटा परीक्षा देने गया था, परीक्षा से आया और दूसरे दिन आता था तो कुछ खाता पीता था, खेलता था। एक दिन परीक्षा देकर आया और सीधे चला गया मंदिर में और पूजा करने लग गया। तो माँ को बड़े आश्चर्य हुआ कि रोज तो ये आता था पढ़ करके, परीक्षा देकर के खाता पीता था, आज खाया पिया कुछ नहीं, सीधे मंदिर में जाकर पूजा करने क्यों बैठ गया है? अब बहुत देर बीत गया, तब ऐसे माँ ने कहा, अरे तुम कितने देर पूजा करोगे, चलो कुछ खा पी लो। तो कहे, माता आप कहते हैं ना कि भगवान जो चाहे सो कर सकते हैं, उसी लिए मैं भगवान पूजा कर रहा हूँ। क्यों? कि माता ऐसी बात थी, आज मुझसे गलती हो गई परीक्षा में। कि क्या गलती हो गई? पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो मैंने लिख दिया है दिल्ली। तो भगवान प्रार्थना करना है, भगवान जब तक पूछा जब तक एक प्रश्न पेपर जानते तब तक उत्तर प्रदेश राजधानी दिल्ली बना दे, इसलिए प्रार्थना कर रहा हूं। तो क्या ऐसा होगा? जो चाहे तो कैसे कर सकता है? तो हम मेहनत न करें तो हमारा कल्याण कोई कैसे करेगा? लेकिन बड़े बड़े गुरु बड़े बड़े मन से कह रहे हैं, भगवान को पुकारो, भगवान दयालु है, कृपालु है, तुम्हारे पुकार सुनकर भगवान का हृदय पिघल जाता है, तुम्हारे सब पाप भस्म कर देंगे। कोई भगवान पाप भस्म करने वाला नहीं है, भले लोग इस बात पर विश्वास करते रहें, पाप का फल तो स्वयं भोगना पड़ेगा, मेहनत स्वयं करनी पड़ेगी। इसलिए आता है कहते हैं कि दुनिया की स्थिति बहुत विचित्र है, जैसे जहर का पौधा लगा करके अमृत से हजारों बात सींचने पर भी वह अमृत नहीं होगा, जहर का जहर ही रहेगा। ऐसे ही गलत काम करके चाहे कितना पूजा पाठ करो, रो गिड़गड़ाओ, तुम्हारे पाप कर्म का फल माफ नहीं होगा, उसका फल तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। कोई भगवान भगवती दुर्गा देवी तुम्हारे पाप को काट नहीं पाएंगे, इसलिए पाप करो मत। दूसरी बात साहब कहते हैं, इतना सही बात होते हुए भी, साफ साफ बात होते हुए भी, जिन लोगों के मन में जो बात धंस जाती है उसका त्याग लोग करना नहीं चाहते, उसी को ही पकड़ करके बैठे रहते हैं, तब कल्याण कैसे होगा? इसलिए स्वयं जागने की जरूरत है, विचार करें और विचार करके जो चित हो उसे माने। ब्रह्म का ब्रह्म, परमात्मा का परमात्मा, भगवान का भगवान, ये जीव है। स्वयं को पहचाने और स्वयं को पहचान कर सही रास्ते पर चलें, उसके लिए मेहनत करें, तब कल्याण होगा, पुकारने से कल्याण नहीं होने वाला है।